हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक इन योर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज चैप्टर वन यानी कि जो हमारा चैप्टर वन था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 16 आपके लिए है। तो अभी तक करंटली मैंने 15 लेक्चर को क्या कर दिया था, डिलीवर्ड कर दिया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। यानी कि लेक्चर नंबर 15 तक मान लीजिए आपको जो कुछ भी बताया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से चल रहा था, डायपोल की वजह से। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होने की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल होने की वजह से या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। एक इन डाउन पोजिशन पे, एक आपका होता है ब्रॉड साइड डाउन पोजिशन पे, 3 केस होता है, मैं यहां पर राइट कर दे रहा हूं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट इन डाउन पोजीशन, नेक्स्ट होता है ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन, ब्रॉड ब्रॉड साइड डाउन पोजीशन, एंड थर्ड था एट एनी पॉइंट। इन डाउन पोजीशन का मतलब मैंने बताया था कि अगर आपका डायपोल ऐसे है इस तरीके से, तो इन डाउन पोजीशन का मतलब होगा कि उसके एक्सिस पे या तो इधर होगा या तो फुल पॉइंट इधर होगा। यहां पे मैंने इंटेंसिटी को निकाला था और उसका फॉर्मूला आया था स्टूडेंट के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू आया था के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, जहां पे पी क्या था, पी था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि यह सब बात जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में हो गया है। तो आज इस लेक्चर में क्या करना है, आप लोगों को डिस्कस करना है सेकंड वाला ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब ये होता है बच्चों कि अब आपको इंटेंसिटी यहां पे नहीं निकालना है, ना तो यहां पे निकालना है, आपको कहां निकालना है, ऊपर निकालना है। तो हम चलो देखते हैं कि ऊपर अगर इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से, उसको हम एक आसान तरीके से बताएंगे, उसको क्या करिएगा आप अच्छे से समझिएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा और स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपको फिजिक्स फील हो, रियलाइज कर पाओ, तभी मजा आएगा। बिकॉज आपको इस चैनल पे क्या मिलता है, फिजिक्स जो है फील के साथ मिलता है, रट्टाफिकेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर और अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बात करना है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, आज इसी पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले इसका हम फिगर समझते हैं, सबसे पहले क्या समझते हैं, इसका फिगर समझते हैं। तो फिगर को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये सपोज कर लो आपके पास एक डायपोल है। हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है एक सिस्टम होता है, इस पे माइनस क्यू चार्ज रहता है, इस पे क्या रहता है, प्लस क्यू चार्ज रहता है, और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। इसको अगर मैं मिड पॉइंट सपोज कर लूं तो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता है 2L, तो ये कितना हो जाएगा L, और ये कितना हो जाएगा L। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालना, यानी कि इसके परपेंडिकुलर कहां, ऊपर, तो इसके परपेंडिकुलर कहां, ऊपर। यहां पे आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी यहां से डिस्टेंस सपोज कर लूं, ये कितना है R। हमने आपसे बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर भी निकालना है, जैसे आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस चाहिए और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस लेकर के हम देखते हैं, तो इसको पहले पॉइंट पी सपोज कर लो और इसको करा दो ज्वाइन ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ज्वाइन कर लो, और ऐसा हम सपोज कर लेते कि ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा, बिकॉज दोनों सेम होगा इसलिए इक्वल थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब सुनो,
अच्छा अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 90 डिग्री बना हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर इसको निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना होगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसको हम सपोज कर रहे हैं एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस, माइनस को चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट माइनस क्यू है, तो ई वन इज इक्वल टू, मैं यहां पे ज्यादा बड़ा वाला के राइट कर रहा हूं, यहां पे के के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू कितना है यहां पे ये, और स्टूडेंट आर स्क्वायर आर ये तो हो गया कितना, तो इसका स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां पे स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सिमिलरली ए टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो इसकी दिशा देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं ए टू है प्लस की वजह से, तो माइनस क्यू से क्या था, अंदर की तरफ था, माइनस क्यू से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, अंदर की तरफ है। देखो माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया, अंदर हो गया, ठीक है, और प्लस क्यू है, प्लस क्यू से कहां जाएगा, बाहर। तो इसको मैं सपोज कर ले रहा हूं ई वन, यहां से क्या हो जाएगा, बाहर, ये क्या हो गया ए टू, ये आपका हो गया ई वन, ये आपका क्या हो गया ए टू। तो कुछ इस फिगर को, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपकी, देखो देखो बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है और ना तो सेम है, उनके बीच तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो वहां पर कुछ अलग तरीके से प्रोसेस होगा। तो इस चीज को मैं क्या करता हूं, यहां पर फिगर समझाता हूं इस तरीके से, देखो ये आपका पॉइंट पी ले लो, यहां पे सबसे पहले एक पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया, इवन अंदर चला गया, इवन इधर हो गया, ई टू कहां जाएगा, इस तरीके से बाहर, ई टू कहां चला गया, बाहर। अच्छा इसके पैरेलल एक हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, बेस के पैरेलल यहां पे ड्रा कर सकते थे, वही लाइन बना रहा हूं, ये एंगल थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये पूरा इतना थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, तो थीटा एंड आल्सो थीटा, बात समझ में आ रहा है, यहां पर मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से समझते हैं, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हो गया, ये वैल्यू आया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, ये हो गया, इस चीज को मैंने यहां पे दिखाया, तो ये आपका इवन और ये क्या हो गया ए टू, हमने कहा ये पैरेलल लाइन जो है इस बेस के पैरेलल है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम है ये इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम आपका इस तरीके से, ठीक है, तो ए टू इधर, इवन इधर, मैंने कहा थीटा एंगल होगा, ये भी कितना होगा, थीटा एंगल ही होगा, आपको सब बात पता ही है, ओके, ये कैसे हो गया, आपको पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये करेस्पॉन्ड एंगल की वजह से हो गया, ठीक है। अब ये इवन को क्या करो, दो कंपोनेंट में बांटो, एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, मैंने कहा जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस वाला होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता वो क्या होता है, साइन वाला होता है, तो ये आपका आ जाएगा इवन साइन थीटा, और इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा स्टूडेंट, इस पे आएगा इवन कॉस थीटा,
सिमिलरली क्या करिए आप, ए टू है, बहुत ध्यान समझिए, मजा आ जाएगा। ए टू है, इसको क्या करो, कट करो, दो कंपोनेंट में डिवाइड करिए, बांटिए। इस पे क्या होगा, ए टू साइन थीटा, और इस पे क्या होगा, ई वन कॉस थीटा। ए टू कॉस थीटा, सॉरी ए टू कॉस थीटा। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ई वन साइन थीटा और ए टू साइन थीटा क्या है, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि भैया ई वन ई टू इक्वल है, साइन थीटा इक्वल है, तो इतना ही ऊपर प्लस है, समझिए उतना क्या है नीचे माइनस है, तो प्लस और माइनस का कोई प्रभाव होगा नहीं, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इवन साइन थीटा एंड इनटू साइन थीटा व्हाट इज कैंसिल्ड। यहां पर ऐड करेंगे इवन साइन थीटा एंड इनटू साइन थीटा इज कैंसिल्ड टू वन ईच अदर। कैंसिल बाय वन इच अदर, ओके, कैंसिल बाय वन इच अदर, एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन ये इवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा देखो क्या हो रहा है, एक ही तरफ आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और वही होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा, ये आपको हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं ध्यान से, आज आपको क्या करना है, डिस्कस करना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, कहां पे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया माइनस की ओर प्लस की ओर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, क्लियर, मिड पॉइंट को से वर्टिकली ऊपर की ओर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या था, पी था, और इस पॉइंट पे क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट करना है। तो हमने कहा जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसको क्या चाहिए, आपके डिस्टेंस चार्ज चाहिए, यहां से डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया, यहां से डिस्टेंस ये हो गया। अब इसकी वजह से इवन अंदर हो गया, क्योंकि माइनस वजह से क्या होता है, माइनस से अंदर होता है, अब प्लस से कहां होता है, बाहर होता है। इतना जब हो गया देखो इवन आ गया और ए टू आ गया, इस डायग्राम को मैंने कहा जो वेक्टर है सब क्वांटिटी जो एंगल बना रही है उसको मैंने यहां पे दिखाया, ये इवन क्या हो गया ए टू थीटा एंगल, और ये भी क्या हो गया थीटा एंगल होगा, ओके। तो अब समझिए ध्यान से, पहले इसको दो काम में बांटो, एक इवन साइन थीटा, यहां पे क्या आ गया इवन कॉस थीटा, ए टू को दो कॉम्पोनेंट में ए टू साइन थीटा और ए टू कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जो कि होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, यस, सो इक्वल टू इवन कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन इवन प्लस ए टू, इवन कितना उसको पुट करो पहले, के की वो अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस के की वो अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टू टाइम कर दो, टू आगे कर दो, टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू व्हाट कॉस थीटा हो गया, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे टू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर डायग्राम जो इसके पहले बना था कॉस थीटा की बजाय निकालो कि कॉस थीटा कट होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना था हमारा एल था और हाइपोटेनियस कितना था स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे एल अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों इसका पावर वन है, देखो इसका पावर होल पावर कितना है वन है और इस पूरे का होल पावर कितना है वन अपॉन टू। तो अगर इसको दोनों को सॉल्व करना चाहेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, देखो यहां पे ऐसे कहीं राइट है एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो इसका हो जाता है एक्स पावर थ्री अपॉन टू, ये होता है। तो वही चीज यहां पे हो जाएगा बिकॉज देखिए इसका पावर वन इसका पावर वन अपॉन टू, तो वन प्लस वन अपॉन टू जो होता है टू 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 वन थ्री, तो थ्री अपॉन टू यानी कि एड हो जाएगा और आ जाएगा थ्री अपॉन टू करके। सो यहां पे इज इक्वल टू टू के क्यू, टू के क्यू अपॉन यहां पे एल भी कर दो इसका पावर थ्री अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। तो इतना हो गया है, अब क्या कर रहे हैं बच्चे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इरेज कर दे रहे हैं और फिर इसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस कैसे है किस तरीके से है वो समझते हैं। इज इक्वल टू के को क्या कर दो आगे करो के क्यू इंटू टू एल, के क्यू इंटू टू एल इसका पावर थ्री कर दो थ्री बाय टू जो था। अब देखो स्टूडेंट जो एल होता है वो आर के कंपेरिजन में छोटा होता है, बहुत एल जो होता है यानी कि जो आपका डायपोल मोमेंट जो डायपोल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल उसमें चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो चार्ज के बीच का जब डिस्टेंस बहुत कम है तो उसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो एल इज लेस लेस देन आर, तो एल स्क्वायर जो होगा बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर का काम खत्म हो गया। तो इज इक्वल टू आ गया के क्यू इंटू टू एल क्या हो गया पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम होता है इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था पहले वाले में। तो आर स्क्वायर की पावर कितना थ्री अपॉन टू, टू टू क्या हो गया खत्म। इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, तो ये होता है स्टूडेंट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पे। ओके की वैल्यू यहां पे इनपुट कर दें हम, इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई फाइव जीरो ए टू पी अपॉन आर। तो अगर इसकी मैं दिशा की बात करूं तो इसका जो दिशा होता है इस तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और डायपोल मोमेंटम जो होता है वो हमारा इस तरफ होता है, दिशा की बात होगी। और ध्यान समझिएगा ये जो एक्सियल था यानी कि एक्सिस पे जो था इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या था इसका डबल था। तो मैं क्या बोलूंगा टी जो है इन डाउन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का कितना टाइम होता है डबल टाइम होता है, याद कर लो इन डाउन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे कितना होता है उसका डबल टाइम होता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्या करेंगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो ये सब पूरा कैलकुलेशन था और ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है एल इज लेस लेस देन आर, तो एल स्क्वायर क्या हो गया जीरो के इक्वल हो गया, तो पावर टू का कट गया और के पी अपॉन आर क्यूब। तो मैंने इसके बाद बताया कि आपको जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी दिशा किधर होती है इस तरफ, जबकि डायपोल मोमेंटम किधर होता है इस तरफ, मतलब अगेंस्ट, एक इधर जाएगा तो एक क्या होगा इस तरफ, थोड़ा बहुत इस तरीके से। ये आपका डायपोल मोमेंटम, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि इन डाउन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का कितना टाइम होता है डबल टाइम होता है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। थैंक यू।